नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माफ करना, मैं आज सच्चाई बताकर रहूंगा, मैं चुप नहीं बैठ सकता। अब जी हां दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने भयंकर सच्चाई ला रहा हूं, कृपया हिम्मत करके देखेगा। सच्चाई सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जिसे आप अपना रहते हो, जैसे आप अपना समझते हो, आखिर पता है वह आपके अपने के रूप में काला नाग है जो अंदर ही अंदर आपको दस्त जा रहा है। और आज हम इन्हीं के बारे में उनके सारे पोल खोलने वाले हैं और इनकी सच्चाई जानकर आपको अपनी आंखों पर यकीन भी होगा। और आप यह भी कहेंगे कि जिनके लिए हम दिन और रात नहीं देखे, वही इंसान हमारे पीठ पीछे ऐसे कारनामे कर रहे हैं, आप शर्म से मरार हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह इंसान जिनकी ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे थे, वही आपकी पीठ पीछे छोड़ भोगने का काम करते जा रहे हैं। लेकिन आपको खुशी इस बात की होगी कि समय रहते आपको पता चल गया और आप सतर्क हो जाएंगे। तो आज का यह वीडियो आपसे भी बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, इन्हें अंत तक अभी देख लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं था आपने। जी हां दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जातक कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि गुरु जी, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उनका फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। आज हम आपके सारे सारे सवालों का जवाब देने वाले, बस हम आपसे बस इतना निवेदन करते हैं, वीडियो को आप सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार की नई नई जानकारियां लेकर आते रहे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह शत्रु को आप हल्के में भूल कर भी मत लीजिएगा, ये पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। और इस विनाशकारी घटना के जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई, बातों को हमारी गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा भयानक अवश्य होने वाला है, आप पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई खुशी बाकी नहीं रह जाएगी। आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, गलती से भी इसे मजाक समझने की गलती मत कर देना। यदि आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो दोस्तों आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ी बर्बादी तबाही आपका इंतजार कर रही है, अपना मुंह खोलकर आपकी ओर चली आ रही है और आपके जीवन की हर एक खुशहाली को, आपके परिवार की हर खुशी को निकल जाएगी। अब दोस्त, ऐसा होना तो बिल्कुल ही तय है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इसे आप कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं या फिर इसे आप पूरी तरह से रोक भी सकते हैं। यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस आने वाली महाविनाशकारी समस्या परेशानी से छुटकारा पाने के बाद ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसे यदि आप माने तो अच्छी बात है, आप भी रहेंगे, लेकिन यदि आप ना माने और अनजान बनने की कोशिश करें, तो यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। जी हां दोस्तों, बेहतर यह होगा कि आप इन बातों की सच्चाई को गंभीरता से लें और बचाव के उपाय कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताने जा रहे हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में भी बताएंगे जो हाल ही में हमने अपने जीवन में देखी है। हमारे एक प्रसिद्ध हैं, उनके जीवन में यह घटना घटित हुई है और इस घटना का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इस घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो ऐसे में इतनी ज्ञानवर्धक और इतने महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ देना बिल्कुल ही पागलपन होगा दोस्तों। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात को समझने की कोशिश करें। यकीन करें दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए, आपके जीवन के हर एक सुख और आपकी समृद्धि को बचाने के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ माता को याद करते हुए जय मां भद्रकाली रक्षा करो, एक बार नहीं तीन बार लिखना दोस्तों, की माता निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार सुनकर आपकी ओर दौड़ी चली आएगी और जिनके साथ माता भद्रकाली हैं, उनका कोई बाल भी
बांका नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों आप हमारा मनोबल अवश्य ही बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। ये बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और हम आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी और कारगर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बता दें आपको, एक हमारे परिचित के व्यक्ति हैं, उनके जीवन में लगभग एक साल पहले बहुत अधिक कष्ट और परेशानियां थीं। बहुत परेशानियों के साथ ही उनका एक छोटा मोटा सा व्यापार था, एक दुकान थी, वह चल पा रही थी। कभी कभी तो उनके मन में ऐसा आता था इस दुकान को बंद ही कर दे, क्योंकि खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने हमसे सलाह मशवरा किया तो हमने उनकी कुंडली को देखते हुए उनकी ग्रह दशा के आधार पर कुछ जरूरी उपाय बताए। उन्होंने उन उपायों को करना शुरू किया। दोस्तों यकीन मानिए कि धीरे धीरे उनकी दशा चली गई, लाइन दिन हो गए और यूं कहें तू वारे न्यारे हो गए जो कुछ कर जावा जावी था, वह भी आसानी से चूक गया और उनकी जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप टांग खींचने वाली आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, यानी आपके अपने ही होते हैं। और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। अभी पिछले एक आध महीने से ही उनकी शिकायत यह है, हमसे मिलते हैं कि उनके काम धंधे में अचानक थी पता नहीं क्यों जैसे होड़ सी लग गई है, घर का माहौल भी खराब रहने लगा है और खुद उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है, अक्सर बीमार होती रहती हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह केवल उनकी एक अकेले की समस्या नहीं है, यह बहुत सारे जातकों की समस्या है कि वैसे तो जीवन में खुशहाली आती ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मेहनत करके ईश्वर कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कामयाबी मिलती है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही करते हैं तो फिर अचानक कुछ समय के बाद जैसे सफलता में ब्रेक ही लग जाते हैं, कामयाबी की गाड़ी अचानक चलती चलती धीमी हो जाती है और फिर रुक ही जाती है। यह समस्या को छोटी समस्या नहीं है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण। यही कारण हमने उन्हें भी बताया है। अब देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। हम बता दें यह उपाय निश्चित तौर पर कार्य करते हैं, जो हमने उन्हें बताए हैं वही हम आपको भी बताएंगे। तो दोस्तों इस समस्या का सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। यह नजर लगना कहती हैं, इसी नजर दोष भी कहते हैं, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दोस्तों जब कभी भी आप कामयाब, पहले आप परेशानियों में थे तो आपके आसपास के लोग आपको देखते रहते थे, आपकी हैसियत का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से हुआ करता था। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने विशेष साधना की पूजा पाठ किया हो पाएगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा हो गई और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होने लगी तो आपके जीवन जीने का स्तर बदलने लगा, आपकी बातचीत का लहजा बदलने लगा, जो कि स्वाभाविक है। जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो उसकी चाल ही बदलने लगती है। ये चीजें आपके आसपास के लोग भी देख रहे हैं। फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके पास आता है, आपसे बात करता है और आप उसे खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में बता देते हैं। यही होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्हें जानबूझकर मक्खी निकलने की आदत होती है। और क्यों? क्योंकि यह अपने आप कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं, तो वह बोलेंगे कि नजर बाजार जैसा कुछ भी नहीं होता है, यह सब फालतू की बातें हैं, सौंग है, ढकोसला है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इन बातों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए हजारों उदाहरण हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं, जिन लोगों ने खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में लोगों से चर्चा की है, कुछ दिनों बाद उनकी कामयाबी में पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं, काम तहस नहस हो गया है। इसीलिए तो हमारे घर के, या हम यूं कहें कि हमारे पुरखे पूर्वज कहां करते थे, जोग जुगत और मंत्र उपाय अल्लाह, इतना भाई जब करें दोरावनी, आपके जीवन में जो भी कुछ जुगत चल रही है, जो भी कुछ ताकी चल रही है, तरकी में आप लगा रहे हैं, उन्हें आप गुप्त रखें तभी वह फलित होंगे। जैसे ही आप बताएंगे लोगों की नजर आपके ऊपर आ जाएगी और लोग तरह तरह की भावनाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा ए आपकी ओर प्रसारित कर देंगे। दोस्तों अब नजर लगना कितना भयानक हो सकता है,
इस बात को आप समझिए कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ जगह पर हमने ऐसा देखा है, लोगों ने हमें बताया है प्रामाणिकता के साथ कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच लिया, जो कि बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है। उसके मन से थोड़ी सी हाय निकली या उसने कुछ कह संध्या ऐसा मन में सोच लिया, तो हमने देखा है कि बिल्डिंग बनाने से पहले ही फर्स्ट होने लगती है उसकी, हम भी उसकी बीम, उसकी दीवारें चटकने लगती हैं। ये दोस्तों अच्छे खासे मकान को भी नजर चटका सकती है, अच्छे खासे इंसान को भी नजर हमेशा के लिए बीमार बना सकती है, और अच्छी खासी परिवार को नजर दूर कर दो टुकड़ों में बिखरा सकती है। नजर बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसी बात का प्रमाण है। ये है दोस्तों से कि आपने अपनी आसपास जितनी भी चीजें देखी होंगी, क्योंकि इसी से खास है, कुछ ना कुछ नजर का है, उनके ऊपर अवश्य किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों की ही बात ले ले, तू जिन बच्चों पर कोई भी नजर रक्षा का उपाय नहीं किया जाता, अक्सर बीमार बने रहते हैं। उनका पालन पोषण करने के बावजूद भी उनका प्रकाश सही नहीं हो पाता है, और उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा लगातार बीमार रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के माथे पर एक तरफ काला टीका लगाया जाता है, उनके गले में दान दे का एक सिक्का जिसमें छेद कर अभी से बांध कर लटकाया जाता है। कुछ जगहों पर बाघ के नाखून का ताबीज भी लटकाया जाता है। यह सारे उपाय नजर से बचाने वाले उपाय होते हैं। दोस्तों नजर बहुत ही भयानक परिणाम लेकर आती है, तो अब ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऊपर नजर लगी है कि नहीं। अब यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो, आपके जीवन में सुख की गंगा बह रही हो, तभी आपको नजर लगे। आप बेशक नाकामयाब हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका तौर तरीका और आपकी रहन सहन लोगों को पसंद नहीं आते, तो उसमें भी आपको नजर लग भाई। भाई में यदि गहरा प्रेम है, तू ही नजर लग सकती है। पति पत्नी के बीच यदि गहरा प्रेम है, अच्छा संबंध में मधुर संबंध है, उसमें भी नजर लग सकती है। यहां तक कि आप जिस गाड़ी से चलते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते भी यदि बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सूट करते हैं, तो उसमें भी नजर लग सके। तू अब यहां से यह प्रमाणित होता है कि नजर लगने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूई हो, बड़ी कामयाबी हासिल की हो, तभी आपको नजर लगे। हर एक स्थिति में आपसे जलने वाले लोग आपके छुपे हुए शत्रु हैं, और आपके बारे में मन में अनाप शनाप बातें सोचते रहते हैं। कुछ लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, विचार इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेते हैं और सीधे आपके ऊपर आकर हमला करते हैं, आपको चारों ओर से घेर लेते हैं, और फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं, घटना पूरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसे ही नजर लगना चाहते हैं। अब हम एक छोटा सा किस्सा आपको अपने गांव का सुनाते हैं। दोस्तों एक हमारे गांव में जब हम छोटे थे, उस समय की बात है कि एक हमारे गांव में भैंस थी जो बहुत अच्छा दूध दिया करती थी। उसकी दूध की तारीफ में बहुत हुआ करती थी, लेकिन उस भैंस को दुखने के समय चारों तरफ से उसे ढक दिया जाता था, यानी उसे छुपाकर दुख आ जाता था, ताकि उससे निकलने वाली दूध को कोई देख ना सके, अन्यथा नजर लगने का डर था। तभी अचानक किया हुआ एक सज्जन उसी स्थान पर आ गए। एक दिन जब वहां पर भैंस की जा रही थी, तो जैसे ही उन्होंने फैंस को देखा और उससे निकलने वाले इतने सारे दूध को देखा, उन्होंने कहा, तो कुछ नहीं, बस भैंस को नजर भर कर देखा और वापस आ गए। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी आंखों के सामने का यह किस्सा है कि हंस ने अगले ही दिन से दूध देना बहुत ही कम कर दिया है, और दो चार दिनों के बाद भैंस पूरी तरह से बीमार हो गई, और अंत में नतीजा वही हुआ जिसका डर था कि भैंस की मृत्यु हो गई। या दोस्तों इसे कहते हैं भयंकर काली नजर लगना। ठीक नहीं, सैकड़ों हजारों किस्से आपको अपने आसपास सुनने को मिल जाएंगे। अब यदि आप ऐसी बातों को जानने के बाद भी सतर्क नहीं होते हैं और आपको लगता है कि यह सारी बातें केवल पूरी कप हैं, बकवास, तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको जीवन में कभी सदगति प्राप्त होगी, आपकी उन्नति होगी, क्योंकि हर बार यही होगा कि आप जरा से कामयाब हुए और आपकी कामयाबी में ब्रेक लग गई, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार की नजर लगे। लेकिन आपको तो इन सब बातों पर यकीन नहीं है, तो आप यही लगेगा, ये सब सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब उधेड़ बुन में आपका जीवन गुजर जाए और आप कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे।
ये दोस्त तो अब ऐसे में आप समझिए कि नजर कैसे लगती है और नजर के क्या क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों, नजर कई प्रकार से लग सकती है। पहले की नजर आपके काम धंधा व्यापार को लग सकती है, इससे बंधन होना भी कहते हैं। इसी प्रकार नजर आपको स्वयं को भी लग सकती है, आपके रिश्तेदारों को भी लग सकती है। अच्छे दोस्तों, आपको एक और अजीब सी बात बताते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने जब कभी भी पति पत्नी की या फिर अपनी खुशहाल रिश्ते की परिवार की हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की होगी, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने इस बात को नोट किया होगा कि आपके रिश्ते में हल्की सी अनबन, थोड़ी सी खींचतान था या फिर थोड़ा बहुत प्लीज का माहौल उत्पन्न हो गया है। ये दोस्तों, अगर यकीन ना हो तो एक बार इसे आप करके देखिए। जब कभी भी आप अपनी हंसते मुस्कुराते रिश्तेदारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी उसी रिश्तेदार के साथ थोड़ी बहुत खटपट निश्चित तौर पर हो जाएगी। तब इसे नजर लगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेगा अभिषेक बार खुद से करके देखिए हमारे कहने से, और नतीजा देखिए दोस्तों, राहु अति सक्रिय हो जाता है। याद रखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी लेट फॉर्म हैं, बिस्तर राहु के अधीन आते हैं, और जब भी आप हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो असल में आप अपने लिए राहुल को अति सक्रिय बना देते हैं। अब ऐसे में यदि राहु आपके लिए नकारात्मक है, पूरे ग्रहों के साथ पूरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अधिक प्रसारित करेगा, और यदि अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक उन्नति दिलाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन जाते हैं, बहुत नाम और पैसा कमा लेते हैं। यह भी राहु की वजह से ही होता है। राहुल इसी प्रकार या तो आपको प्रताड़ित करता है या फिर आपको खुशहाल बनाता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि नजर लगने के क्या संकेत होते हैं। पहला, कि आपके काम धंधे पर नजर लगेगी, क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है, हमेशा यह होता रहता है। आप मेरी कोई उपाय नहीं किया है तो हम आपको उपाय बताएंगे काम धंधे पर नजर से बचने का। आप उसी कर ले, फिर आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी। अब काम धंधे की जगह पर यदि आप तो नजर लगती है तो फिर इस संकेत क्या है। सबसे पहला संकेत कि आपके काम की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके काम धंधे की, आपकी उन्नति की, आपके फायदे की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। दूसरा, कि आपका अपने ही काम से विश्वास उठने लगेगा। आपको लगे कि यह काम ही खराब है, इसे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, तीसरा, कि आपके काम के समय में ऐसी ऐसी परेशानियां आपके सामने आएंगे कि जो आपको बहुत परेशान करेंगे, विचलित करेगी। हालांकि उनका समाधान निश्चित तौर पर निकल आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपको बहुत अधिक मानसिक बेचैनी थी कि इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। दोस्ती, कार्यस्थल पर झगड़े होते हैं और विवादित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर एक स्थिति में आप अपने काम धंधे व्यापार के स्थान पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है और आपको पल प्रतिपल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अंतिम समाधान यही होता है कि कार्य को छोड़ दिया जाए, और नजर लगने का यही मकसद भी होता है, आपको आपके काम से दूर कर देना, आपका काम बंद करवा देना। तो अब ऐसे में आप क्या करें। दोस्तों, हम आपके काम धंधे से जुड़े हुए उपाय आपको आगे बताने जा रहे हैं। चाहे भले ही आपके काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नजर ना लगी हो, लेकिन तब भी आप यह उपाय कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे, यह एक तरह का रक्षा कवच बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको खुद को नजर लगी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, नजर किसी भी स्थिति में लग सकती है। जरूरी नहीं कि आप सर्वोत्तम हो, सामान्य हो, तभी नजर लग सकती है। तो यदि नजर लगी है किसी इंसान को तो उसे कैसी परेशानियां आएंगे। दोस्तों, उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, एक अजीब सा खामोशी का माहौल रहेगा, वह इंसान बात करना कम कर देगा। दोस्तों, हल्का हल्का बुखार, आंख नाक कान कहीं ना कहीं उसे हल्का फुल्का दर्द होगा, अचानक और ठीक भी हो जाएगा। अभी सब दोस्तों, कमर के निचले हिस्से में भी दर्द होगा और पेट में भी दर्द होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो तरह तरह की बीमारियों के संकेत उसे समझ में आने लगे। दिल्ली की वहीं जब चेकअप कराएगा, तबाही कराने की कोशिश करेगा, तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा और उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी।
कई बार तो दोस्तों इतना भी देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भपात हो जाते हैं। नजर लगने की वजह से इसीलिए लोग गर्भवती स्त्रियों को दूसरों की नजर से बचाने की कोशिश करती हैं। सामने किसी के नहीं लाते हैं तो अब ऐसे में आपको आवश्यकता है अपनी स्वयं की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करना, जिससे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कैसे भी नजर न लगे। इसी प्रकार का तीसरी नजर होती है घर परिवार को लग जाना। ये दोस्तों आपका घर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग्स की इमारत बहुत अच्छी है, या फिर आपके घर के सदस्य बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, या आपका स्वयं का दांपत्य जीवन प्रेम जीवन बहुत अधिक सुंदर है। अब यह नजर लगने के मुख्य कारण है। यदि आपके घर को नजर लगेगी तो आपके घर से सबसे पहला काम जो होगा वह होगा कि खुशहाली गायब हो जाएगी। एक अजीब सी नकारात्मकता मनहूसियत आपके घर में फैल जाएगी। जब भी आप घर से बाहर होंगे तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन खराब हो जाएगा। तो घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, और यदि बात करेंगे भी तो जल्दी ही झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। जरा जरा सी बातों पर बहस हो जाएगी और कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, समस्या झूं की त्यों बनी रहेगी। एक और यह बात होगी कि कोई ना कोई सदस्य घर का लगातार बीमार बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों घर में वैसे तो पैसा आएगा ही नहीं, और यदि पैसा आया भी तो वह अपने जाने के रास्ते पहले ही बना कर आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो घर का शांति सुकून पूरी तरह से गायब हो जाएगा और चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता होगी। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि घर में जगह जगह मकड़ी के जाले लगे रहेंगे और जल्दी जल्दी यूज होने लगेंगे। घर में किसी न किसी स्थान पर कौन हो मैं खास तौर से अंधेरा बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों घर का ईशान कोण ब्रह्म स्थान और आपका स्वयं का बेडरूम तीन स्थान हमेशा दोस्त रहेंगे, भारी रहेंगे, और यहां से पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाएगी। इन तीनों स्थानों पर यह कह सकते हैं कि घूर नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। तू अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों यदि आपके काम धंधा व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो आप क्या करना है, तो उस तो आपको करनी है। तू पैसे तो तीन काम है, लेकिन आपको पहले दो काम समझ में। पहला काम की उड़ते हुए हनुमान जी की जो हाथ में पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपनी दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जो दीवाल पड़ रही है उस दीवाल पर आपको लगा देनी है, उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर के सामने। यानी कि जो भी आपके दुकान में आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसकी सीधी नजर उसी तस्वीर के ऊपर पड़नी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग अलग तो पूछ लिया बनानी है, और अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे के भाई और दोस्तों याद रखना है बाय आपको लटका देनी है। काले कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बनाकर याद रखेगी, जब भी बुरी नजर प्रवेश करेगी तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है, मुख्य दरवाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है जो कि पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को नजर को वही के वही वापस कर दे। कि अभिषेक के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौखट पर दाहिने युवा ही किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है। ये दोस्तों शाम के समय यह दीपक आपको जलाना है जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हो, उसके ठीक 10 या 15 मिनट पहले आपको यह दीपक जला देना है। इससे भी आपको बहुत बड़ी लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों आप इन उपायों को करके देखिए, हमारे कहने से निश्चित तौर पर आपके काम धंधा व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं हैं, सुबह से आप अपने काम धंधे व्यापार पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप बस थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लें और अपने पैर धूल है हां धो लें, और कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं, ऐसी स्थिति में आप दीपक जला लेंगे, इससे हो गया आपके काम धंधा व्यापार का नजर से पूरी तरह से रक्षण। अब बात करते हैं आपके घर का, तो आपके घर पर भी आपको कुछ इस प्रकार की तरकीब लगानी होगी। दोस्तों
इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम 3 मोर पंख लगा देनी है, बहुत ही आवश्यक है, या मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर लगानी है। मोर दोस्तों बाहर की ओर नहीं लगानी है, यानी कि जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसे वह मोर पंख देखना चाहिए, बाहर खड़े हुए इंसान को नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कपड़े में लपेट कर और टांग देनी है। जी हां दोस्तों, प्रभारी प्रभारी, और आपको यह पोटलियां टांग नहीं है। अब आपका यह घर जो है वह नजर से पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। शाम के समय आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पर जाने की आर्मी बीचों बीच आपको थोड़ा सा एक कटोरी लेनी है, कटोरी में कपूर लेना है और थोड़ा सा लोबान लेना है और उसे आपको चलाना है। ऐसी भी आपके घर में कोई भी नजर होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह सीधी घर से भागकर बाहर निकल जाएगी। और दीपक जलाने की क्रिया आपको अपने घर पर भी करनी है, यह महिलाएं करेंगे। इस कार्य को इस शाम के समय आपके घर की दहलीज के ठीक बीचों बीच आप दीपक जलाना है और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होगा। इससे आपके जो कुलदेवी अधिवक्ता होंगे आपकी रक्षा के लिए, मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। कोई भी नजर फिर आपका बाल भी बांका नहीं करती है। अब बात करते हैं आपकी स्वयं की। यदि आपको स्वयं को नजर लगी हुई है या फिर नजर लगने का हक है तो आपको क्या करना है, आप जब भी घर से बाहर निकले तो एक इलायची और एक छोटा सा पान का टुकड़ा अपने मुख्य में रखकर ही बाहर निकले। और बाहर निकलते समय आपको देखना है कि आपकी नाक से कौन सा शो चल रहा है। यदि आपकी दाहिनी नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और यदि आईना से उल्टी तरफ की नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। तो जिस भी तरह की नाक से आपकी श्वास बाहर आ रही है उसी पर को पहले आपको घर से बाहर निकालना है। या दोस्तों इस प्रकार आप अपने शरीर के स्वर से सही तालमेल बनाकर बाहर निकलेंगे। याद रखेगी, अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा आपको हर वक्त रख कर निकलना है, और जब आप घर में प्रवेश करें तो उसी लौंग के जोड़े को आपको घर के बाहर ही फेंक कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाना है। आप हमेशा हमेशा के लिए नजर से बचे रहेंगे, किसी भी प्रकार की नजर आपको लग ही नहीं सकती है। एक और बहुत जरूरी उपाय आपको बता दें कि आपके घर का जो पूजा कर है उसकी दक्षिणी की पाल पर यानी दक्षिणावर्ती दीवाल पर आपको राम दरबार का एक बड़ा सा चित्र लगा लेना चाहिए। दोस्तों यह बेहद ही आवश्यक है, इससे भी इसी प्रकार की नकारात्मकता नजर की पूजा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उपाय तो दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, कई उपाय हैं, लेकिन जो हमने आपको पता ही है वह बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय है। दोस्तों इन उपायों को आप करना शुरू करिए, इस 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे। नजर लगी होगी तो दूर हट जाएगी, और नहीं लगी है तो फिर कभी भी नहीं लग पाएगी। दोस्तों बस यही हमारी कामना है, और हम चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे, ईश्वर से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछे, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें, माता आपकी रक्षा करेंगे। हम भी माता से ये प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को खुशहाल बनाए, हर परेशानी से आपको दूर रखें। वीडियो दी पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।